हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डाइन आउट विद मोना। और आज का वीडियो है फूड रिव्यू का, लगा हुआ है बुलाने में। तो आज का वीडियो है फूड ब्लॉगिंग का ही, लेकिन ये वीडियो मैं किसी रेस्टोरेंट में बैठ के शूट नहीं करूंगी, ये मैं अपने घर पे शूट करूंगी। तो आज मैं एक आउटलेट विजिट करने वाली हूँ, वहाँ का फूड टेस्ट करेंगे एंड आपको बताएंगे। शेखपुर में एक न्यू आउटलेट है, अभी हम वहाँ विजिट करेंगे, वहाँ का फूड टेस्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो मैं आ गई हूँ डेलिश। ये है डेलिश, रेस्टोरेंट का आउटलेट का नाम है डेलिश। डेलिश मीन्स डिलीशियस, है क्या ऐसा हम बोल दिए, डेलिश मीन्स डिलीशियस। सो यहाँ का फूड डिलीशियस ही हो, ऑर्डर करेंगे कुछ फूड। एंड यहाँ का जो सिस्टम है वो अभी सिटिंग का नहीं है, सिटिंग का है बट यहाँ पे सिटिंग के लिए हम बहुत लाइक स्नैक्स वगैरह ही ट्राई कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ का फूड टेक अवे कर रही हूँ, टेक अवे करके घर जाके ही ट्राई करूँगी। और कहाँ ही ट्राई कर सकते हैं, घर जाके ट्राई करेंगे। फूड लेते हैं। सो गाइज, मैंने अपना ऑर्डर दे दिया है, तो सुन लो कि मैंने क्या ऑर्डर दिया है। एक तंदूरी मोमोज, वेज तंदूरी मोमोज, चिकन हरियाली कबाब, फिश फिंगर, वेज पैन फ्राइड नूडल्स, चिकन लपेटा, शाही पनीर कोरमा, बटर नान और कीमा कुलचा ऑर्डर दिया है। सो मैंने एक वेलकम ड्रिंक लिया है, कि थोड़ा टाइम लग रहा है, मतलब फूड जो हमारा है वो प्रिपेयर होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तब तक मैंने सोचा कि एक वेलकम ड्रिंक ही ट्राई कर लेते हैं। पाइनएप्पल का है, नाइस रिफ्रेशिंग है, तो क्यूट लगा ये चीज़ है। ये चॉकलेट है, चॉकलेट है, वाइट चॉकलेट। सो गाइस, हमारा फूड आ चुका है। ये नॉन वेज है, वेज है। अच्छा, ये नॉन वेज है और ये वेज है। फूड पैकेजिंग कितना अच्छा लग रहा है ना, अब हम इसको ट्राई करेंगे घर पे जाके। थैंक यू भैया, चलिए चलते हैं। मैं घर आ चुकी हूँ और ये सारा फूड, ये है मेरा सारा फूड, ये एक है, ये एक है। दोनों का जो पैकेजिंग है वो हमें अलग अलग करके दिया गया, लाइक नॉन वेज अलग और वेज अलग। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, पैकेजिंग है वो भी बहुत ज्यादा प्रॉपर तरीके से दिया गया है। प्राइस है वहाँ का काफी रीजनेबल है। देख लिया कि कितना जबरदस्त लग रहा है, और उसका जो अरोमा है, ओह माय गॉड, बहुत ज्यादा मस्त है। सबसे पहले मैं ट्राई करूंगी स्टार्टर से, क्योंकि स्टार्टर से ही स्टार्ट किया जाता है। ये सबसे पहले मैं ट्राई करने वाली हूँ, मोमोज से ट्राई करते हैं। ओके, पहले मैं ट्राई कर रही हूँ मोमोज, है वेज तंदूरी मोमोज और ये चटनी है, ये मेयोनीज के साथ तंदूरी मोमोज, वेज तंदूरी मोमोज। इसका जो टेस्ट है वो मतलब बहुत बहुत ज्यादा मस्त है, आप जरूर से इसको ट्राई करना एक बार, वेज तंदूरी मोमोज। और वेज तंदूरी मोमोज का प्राइस है 120 पर प्लेट, और इसमें 8 पीस आएंगे मोमोज के। अब मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगी वो है फिश फिंगर। अंदर का फिश है इतना ज्यादा सॉफ्ट है, मैंने एक बाइट लिया तुरंत वो घुल गया मुंह में। टेस्ट भी बहुत अच्छा है, ऊपर से क्रंची है, अंदर से सॉफ्ट, बहुत मस्त है। और फिश फिंगर में आपको 8 पीस ऑफ फिश फिंगर मिलेंगे, ऐसे टाइप के फिश फिंगर, प्राइस है 230। अब मैं ट्राई करूंगी चिकन कबाब, हरियाली कबाब। चिकन कितना ज्यादा सॉफ्ट है, चिकन इतना ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है चिकन। हरियाली कबाब का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, किसी भी अदर हरियाली कबाब जहाँ पे मैंने ट्राई किया है वहां से इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है, सच में बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत बहुत अच्छे तरीके से सजा के गार्निश करके, और पैकेजिंग बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। हरियाली कबाब का प्राइस है 190। अब मैं मेन कोर्स ट्राई करूंगी, मेन कोर्स में मैंने लिया है ये कीमा कुलचा, बटर नान, चिकन लपेटा, वेज शाही कोरमा बटर नान के साथ। सबसे पहले मैं ट्राई करती हूँ ये वेज शाही कोरमा। वेज शाही कोरमा का जो टेस्ट है, एक नवरत्न कोरमा होता है जैसे,
वैसा है, थोड़ा मीठा में आता है ये। इसमें काफी सारा आइटम्स दिया गया है, पनीर तो है ही, पनीर के साथ काफी सारे फ्रूट्स भी है। लोग स्पाइसी प्रेफर नहीं करते हैं वो इस डिश में जा सकते हैं, थोड़ा क्रीमी टाइप का टेक्सचर है। इसका जो प्राइस है वो है 210 एक प्लेट का प्राइस है, मिलेगा काफी अच्छा है क्वांटिटी, इसमें तीन जन आराम से खा लेंगे। और एक बटर नान का प्राइस है 35 रुपीज। तो अब मैं ट्राई करती हूँ चिकन लपेटा विद कीमा कुलचा। कुलचा के अंदर स्टफिंग में है चिकन का कीमा। चिकन लपेटा के अंदर इस टाइप का आपको चिकन मिलेगा, ऐसा टाइप का, मतलब जो शेडेड चिकन होता है, शेडेड चिकन से थोड़ा सा बड़ा पीस, ऑमलेट से रैप रहता है और अंदर में शेडेड चिकन रहेगा। चिकन लपेटा का प्राइस है 200 एक प्लेट का, कीमा कुलचा का प्राइस है 75 रुपीज एक पीस का। कीमा कुलचा का टेस्ट भी बहुत अच्छा है, मतलब इसका जो स्टफिंग है चिकन का स्टफिंग काफी अच्छे तरीके से पता चल रहा है कि हाँ चिकन अंदर में है इसके। तो अब मैं ट्राई कर रही हूँ ये पैन फ्राइड नूडल्स। फ्राइड नूडल्स का टेस्ट ऐसा है, अंदर में जो नूडल्स है वो सॉफ्ट है और ऊपर से क्रंची है। ग्रेवी इस पे मैं डाल के खा रही हूँ, इतना अच्छा टेस्ट लग रहा है, क्रंची भी है सॉफ्ट भी है, काफी अच्छा इसका टेस्ट लग रहा है। पैन फ्राइड नूडल्स का प्राइस है, वेज पैन फ्राइड नूडल्स का प्राइस है 180। सो गाइस, मैंने सारा फूड तो ट्राई कर लिया एंड सारे का टेस्ट एंड प्राइस भी मैंने आपको बता दिया। एंड मैं आपको एक बार जरूर रिकमेंड करूंगी कि डेलिश का फूड जरूर से ट्राई करना। एंड काफी जल्दी वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट भी स्टार्ट होने वाला है, बट जब तक सिटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट नहीं होता है तब तक आप टेक अवे लो, और या तो आप वहाँ पे स्टार्टर्स ट्राई करके खा सकते हो बैठ के। एंड इसका जो एड्रेस है वो है बिस्टपुर के रोड। प्रॉपर एड्रेस जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी विद गूगल लिंक, तो आप जाके गूगल लिंक पर क्लिक करो और डायरेक्ट डेलिश के पास पहुंच जाओ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें मेरे डायना फ्रेंड मोना चैनल को। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस मी मोना साइनिंग ऑफ टुडे, टेक केयर, बाय बाय।